विधानसभा में आम आदमी पार्टी की ऐतिहासिक जीत पर ज्वाली में आप सर्तकों ने हलवा बांटकर व पटाखे चलाकर खुशी का इजहार किया। इस अवसर पर आम आदमी पार्टी के जिला कांगड़ा के प्रभारी राकेश मनकोटिया ने दिल्ली में आपकी ऐतिहासिक जीत पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बधाई देते हुए इसे दिल्ली की जनता की जीत बताई है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में पिछले 5 सालों में केजरीवाल ने आम जनता के हित में कई ऐतिहासिक कार्य किए हैं। यही वजह है कि इस बार दिल्ली की जनता ने उनके कामों पर वोट देकर दोबारा मुख्यमंत्री की कुर्सी पर उन्हें बिठाया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली की जनता ने नफरत की राजनीति की नकारा है और प्यार का संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में भाजपा व कांग्रेस ने जनता को झूठे वायदों के सिवाय कुछ नहीं दिया। आप जल्द प्रदेश में दोनों के कारनामों का पोल खोलो अभियान शुरू करेगी। ज्वाली से संवाददाता दौलत चौहान की रिपोर्ट। पहले तो मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री केजरीवाल जी को बधाई देता हूं और समस्त दिल्ली वासियों को तह दिल से बधाई देता हूं। ये उनकी मेहनत का कमाल, काम उन्होंने ईमानदारी से करवाया और मैं तो यही समझता हूं कि जी जब ईमानदारी से जितने भी काम करे हैं जनता खुश थी और जनता ने तह दिल से समर्थन दिया है पूरे का पूरा और सरकार बनाने में सफल हुए। कोई काम आप गिनवा सकते हैं जो केजरीवाल सरकार ने ऐतिहासिक काम किए हैं? जी बिल्कुल, स्वास्थ्य में बहुत अच्छे काम करे हैं, एजुकेशन्स में बहुत अच्छे काम करे हैं, दूसरे ये सड़कों के ले लीजिए बहुत अच्छे। जो ये ऐतिहासिक जो परिणाम आए हैं आम आदमी पार्टी की दिल्ली में जी, तो इसका देश की राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? पूरे का पूरा प्रभाव पड़ेगा और पूरे हिंदुस्तान में ये तहलका मचा हुआ है कि आने वाले वक्त में आम आदमी पार्टी पूरी बढ़त बना के जीतेगी और जिसके लिए राजनीति जो आम आदमी पार्टी की राजनीति कैसी आगे आने वाले समय में कैसी रही? देखिए सबसे पहले तो हम लोग ये पंचायती इलेक्शन जो हो रहे हैं उनमें वार्ड मेंबर से लेकर वार्ड मेंबर उप प्रधान बीडीसी मेंबर्स जिला पार्षद सबको हम कैंडिडेट्स को आम आदमी पार्टी की तरफ से उतारेंगे और पूरे जोर शोर से हिस्सा लेंगे इस आने वाले इलेक्शन में। इसके बाद आगे विधानसभा चुनावों में फिर तो स्वाभाविक है कि जी विधानसभा चुनावों में तो आएंगे ना जी। आपकी क्या विशेष रणनीति रहेगी आने वाले समय में हिमाचल में? कुछ लोकल मुद्दे, कुछ एजुकेशंस, हॉस्पिटल्स की यहाँ पे बहुत बुरा हाल है, रोड्स का बहुत बुरा हाल है और जैसे आप ये बेसहारा पशु जो हैं, पशुओं की समस्याएं हैं, दूसरा पानी की समस्या जो है, बिजली की समस्या जो है, ये हर तरीके से हर मुद्दे को हम उठाएंगे और उनको सॉल्व करने का पूरा प्रयत्न करेंगे। अभी हिमाचल में कांग्रेस और बीजेपी ने ही राज किया है जी, तो आने वाले समय में आप क्या समझते हैं कि यहाँ पर आम आदमी पार्टी का वजूद? बिल्कुल आम आदमी का, क्योंकि लोग दोनों ही पार्टियों के जितने भी इन्होंने आज तक ये झूठे दावे कर रहे हैं कि जी एक बोलती है विकास किया है, दूसरी बोलती है विकास नहीं कर रहे हैं, ये कुछ नहीं, ये लोगों को बेवकूफ़ बनाते रहे। तो हम इन मुद्दों को उठा रहे हैं, यहाँ पे सरकारें फेल हो रही हैं, उन मुद्दों को उठा रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में भी बुलंदियों की तरफ जाएंगे। आपके संगठन जो आम आदमी पार्टी का हिमाचल में, उसकी क्या रणनीति आ गया है? मैंने संगठन जो बनाया हुआ है पूरे का पूरा, लेकिन अब जो है हम रोज़ मीटिंग्स कर रहे हैं, रोज़ धरातल पे उतर के आम जनता के साथ संपर्क में हैं और कोशिश कर रहे हैं कि संगठन को और मजबूती दें और मजबूती दे के फतेह की तरफ बढ़े। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lightning. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।